तुम्हारे अधिकांश भय भविष्य को लेकर होते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो जाए, भविष्य में वैसा न हो जाए, कहीं अपना मकान बनने ना पाए, कहीं बेटी का ब्याह उसमें बाधा ना आ जाए, कोई ना कोई भविष्य की कल्पना तुम्हें भयभीत किए रहती है। हर आदमी डरा डरा है, 24 घंटे भय से भरा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तुम जीवन को ठीक कर लो, जीवन को ठीक ढंग से जियो। तुम्हें न परमात्मा की परवाह करनी है, न किसी देवी देवता के चक्कर में उलझना है। तुम जीवन को ठीक करना सीख लो, जीवन को ठीक ढंग से जीना सीख लो। इस तरह जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन में शांति की, आनंद की, प्रेम की तरंग पैदा हो जाए। तुम्हारे जीवन का हर एक पल हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाए। और ऐसा ही जीवन जीने की कला तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। उसी का नाम है धर्म, उसी का नाम है अध्यात्म, उसी का नाम है सत्संग, उसी का नाम है बुद्धत्व, उसी का नाम है कैवल्य, उसी का नाम है निर्वाण। और भय मुक्त होने का पहला महत्वपूर्ण सूत्र है, तुम भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हो। तुम्हारे अधिकांश भय भविष्य को लेकर होते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो जाए, भविष्य में वैसा न हो जाए, कहीं अपना मकान बनने ना पाए, कहीं बेटी का ब्याह उसमें बाधा ना आ जाए, कोई ना कोई भविष्य की कल्पना तुम्हें भयभीत किए रहती है। रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम होगा या नहीं होगा, इसकी चिंता भी सताती रहती है। पहली बात, जितने तुम्हारे भय हैं वे सारे भय भविष्य को लेकर होते हैं। वर्तमान में कोई भय नहीं होता है। अगर तुम वर्तमान में हो, वर्तमान कभी किसी प्रकार का दुख पैदा नहीं करता है तुम्हारे जीवन में। सारा भय उन सपनों के कारण होता है जिन्हें तुम भविष्य में देखा करते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितने भय तुम्हें सताते हैं, 24 घंटा पकड़े रहते हैं, उनमें से 99% भय ऐसे होते हैं जो कभी आपकी ज़िंदगी में आते ही नहीं, लेकिन आपके वर्तमान को नष्ट कर देते। जैसे बेटी का ब्याह समय से ना हुआ तो क्या होगा, जैसे अपना मकान नहीं बना तो क्या होगा, जैसे अगर घर चलाने की इनकम ना आई तो क्या होगा। अंत में मनोवैज्ञानिक कहते हैं 99% मामलों में बेटी की शादी भी हो जाती है, 99% मामलों में घर चलाने के लिए इनकम भी आ जाती है, 99% मामलों में घर भी बन जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं होते हैं तब तक तुम्हारे जीवन में एक नरक खड़ा हो जाता, क्योंकि भविष्य की नकारात्मक कल्पना करके आपने अपने जीवन में एक नरक खड़ा कर लिया है। ये नरक कैसे खड़ा हुआ? आपने एक नकारात्मक कल्पना में अपना जीवन उलझा दिया। फिल्म बनाने की, आपका मस्तिष्क भविष्य की फिल्में बनाता रहता है। अब ये आपके हाथ में है कि जो फिल्म आप बना रहे हैं भविष्य की, उसको नकारात्मक फिल्में बनाने की आदत पड़ गई है। अब आप उसकी जगह सकारात्मक फिल्में बनाने की आदत डाल सकते हैं। सकारात्मक फिल्में बनाने की आदत वो तो आपके हाथ में है। आप जैसी कल्पना करोगे, जैसी फिल्म बनाओगे वैसी फिल्म बनेगी। अगर नकारात्मक फिल्म बनेगी तो आपको डराएगी, आपके जीवन में भय पैदा करेगी, अशांति, तनाव, उपद्रव पैदा करेगी और आपका जीवन नरक हो जाएगा। इसीलिए हर आदमी का जीवन नरक है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसकी कमान आप क्यों नहीं संभालते हो? फिल्म बनाना आपके हाथ में है, नकारात्मक फिल्म बनाने के बजाय सकारात्मक फिल्म बनाओ। अपने फिल्म में हमें एक जगह केंद्र में कर दो। जो भी फिल्में बनाते हो उसके केंद्र में मुझे स्थापित कर दो कि मेरे गुरु भगवान मेरे केंद्र में है और उनके रहते कोई नकारात्मक घटना घट नहीं सकती, कोई नकारात्मक स्थिति पैदा नहीं हो सकती। इसी के इर्द गिर्द एक फिल्म बनाना शुरू कर दो भविष्य की। और मैं वचन देता हूँ, जैसी फिल्म तुम बनाओगे
वैसा ही असलियत में तुम्हारी जिंदगी में साकार होता चला जाएगा। यही विज्ञान है, विचार शक्ति के विज्ञान का सार। विचार शक्ति के विज्ञान का सार आपको बताता हूं, जैसी फिल्म तुम अपने जीवन के केंद्र में मुझे रखकर बनाओगे, वो असलियत में साकार होती चली जाएगी आपकी जिंदगी में।